नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कुछ खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। बहरहाल शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। पुलिस पर एबीवीपी पर लाठीचार्ज के आरोप अब लगाए जा रहे हैं। पुलिस पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि लाठीचार्ज उन पर किया गया, बुरी तरह से मारपीट हुई है। बिलखिरिया थाना प्रभारी बीपी सिंह इसके लिए लाइन अटैच हो चुके हैं। एसआई नवीन कुमार और आरक्षक सुमित लाइन अटैच हुआ है। आपको यह भी बताएं कि भोपाल एसपी ग्रामीण किरण केरकट्टा ने लाइन अटैच किया है, बड़ी कार्रवाई। बिलखिरिया पुलिस पर कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लग रहा था, पूरा विवाद शुरू हुआ उसके बाद अब एबीवीपी कार्यकर्ताओं की तरफ से हंगामे की भी स्थिति। यह बताया गया कि कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट की कोशिश हुई है, तस्वीरें आप देखिए, और इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए फौरन कार्रवाई भी की गई। लाठीचार्ज के आरोप जैसे ही एबीवीपी की तरफ से सामने आए, लाठीचार्ज के आरोप में थाना प्रभारी बीपी सिंह लाइन अटैच, एसआई नवीन कुमार लाइन अटैच हो चुके हैं, आरक्षक सुमित पर भी गाज गई है। भोपाल एसपी ग्रामीण किरण केट्टा की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो तस्वीरें आप देखिए, उस वक्त की तस्वीरें जब एबीवीपी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन पर डटे हुए थे। सहयोगी जितेंद्र ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, अपडेट इस पूरे मामले को लेकर। कहीं अब भोपाल में भी एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए जो हैं, उन लोगों पर मारपीट के बाद जो है बिलखिरिया के थाना प्रभारी सहित दो तीन जो और पुलिसकर्मी, उनको लाइन अटैच कर दिया गया है। अगर बात करें तो पूरे मामले में बिलखिरिया थाने में के सामने एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जमकर हंगामा किया था। उसके बाद अगर इनके पक्ष में कार्रवाई करते हुए जो है कि तीन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया है। अगर बात करें लाइन अटैच किया गया है, माफ कीजिएगा, इसमें पूरी बात जो है बीपी सिंह जो है थाना प्रभारी ने और साथ ही सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार और आरक्षक सुमित को लाइन अटैच किया गया है। जो एसपी किरण केरकट्टा है, उन्होंने इस पूरे मामले की को लेकर लाइन अटैच किया है। एपी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि उनके साथ मारपीट और लाठीचार्ज किया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। और अब इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां कुंदन नगर में पति पत्नी ने जहर खा लिया है, जिसमें से पूजा की मौत हो चुकी है। हेमंत की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। मंगलवार को दोनों कलेक्टर की जनसुनवाई के लिए पहुंचे थे और जनसुनवाई में जान देने की धमकी भी दी थी। देर शाम दोनों ने वीडियो बनाकर जहर खाया। वीडियो में माता पिता और भाई पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। दो बच्चियां होने के चलते पूरा जो परिवार था उसमें विवाद की स्थिति लगातार पैदा हो रही थी, परेशान किया जा रहा था। मारपीट और बदसलूकी करने के आरोप लगाए गए। क्या दो लड़कियां होना गुनाह है, सवाल पूछते हुए नजर आए हैं हेमंत। इस वीडियो में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनकी ये भी मांग है। द्वारकापुरी थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करी है। हालांकि न्यूज 18 दर्शकों से अपील करता है कि इस तरह से जिंदगी से ना हारें, बल्कि जिंदगी की परेशानियों से लड़ना सीखे। खुदकुशी करना कोई समाधान नहीं हो सकता। हालांकि ये वीडियो जरूर सामने आया है, जो कि अब कहीं ना कहीं कार्रवाई का आधार बना हुआ है। मेरी पत्नी और मैं, मेरे माँ और मेरा बाप और मेरा भाई, इन तीनों की वजह से हम सुसाइड कर रहे हैं। मेरी दो बच्ची है, इसलिए वो हमें परेशान करते हैं, मारते हैं, मेरी पत्नी को मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। मेरा भाई भी गाली देता है, मारता है, ठोकता है, और ये दवाई हम पी रहे हैं। अब ये सुसाइड कर रहे हैं। हम यहाँ पर हम हार गए हैं इनसे, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, इसलिए ये कमज़ोर को डरा रहे हैं, चमका रहे हैं। क्या दो लड़की होना क्या गुनाह है? क्या अगर गुनाह है तो फिर हर दो लड़की वाला अगर कोई ऐसा परेशान करेगा तो वो ऐसा ही मरेगा। अगर कुछ कर सको तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भोपाल से अगली बड़ी खबर है, जहां हमीदिया अस्पताल में मर्चुरी में शव रखे गए जिन्हें चूहों ने कुतर लिया है। शव के कान को चूहों ने कुतरा है। पोस्टमार्टम के बाद शव लेने के लिए पहुंचे, जैसे ही परिजन तो देखा कि ये सब वहां पर हुआ और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। 50 वर्षीय बीआर सिंह का सोमवार को निधन हो गया था और परिजनों ने रात 7 बजे शव को मर्चुरी में रखवाया था। डीप फ्रीजर से शव को निकाला गया, दोनों कानों से खून बह रहा था। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। कहा है कि जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ये भी कहा है कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए भी मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। मैंने जांच के आदेश दिए हैं और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि क्या कुछ कारण है उसका पता लगाया जाए। वैसे हमने पूरी तरह से मर्चुरी को मॉड्यूलर मर्चुरी बनाने की प्रक्रिया शुरू की है और केवल यही नहीं,
सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में भी जहां मॉर्चुरी है वो मॉड्यूलर मॉर्चुरी बने और इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके निर्देश दिए। आगे बढ़ते हैं सीधी से अगली बड़ी खबर, जहां दो बच्चों के साथ कुएं में एक महिला कूद गई है। तीनों की दर्दनाक मौत हो चुकी है इस पूरी घटना को लेकर। हालांकि ये सब क्यों किया गया, इसके पीछे क्या वजह रही, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, कुएं से शवों को बाहर निकाला गया। सिटी कोतवाली क्षेत्र के मुड़ी गांव की पूरी घटना है। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई, कारण पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और चलिए बढ़ते आगे और भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। बात करते हैं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की प्रेस वार्ता की। रोजाना वो प्रेस वार्ता करते हैं, आज भी कई मुद्दों पर उन्होंने प्रेस वार्ता की और खास तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। अमेरिका में पीएम मोदी की तारीफ पर कहा कि आज तो कांग्रेस वालों की चिड़िया उड़ गई होगी, क्योंकि ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। और कांग्रेस नेताओं के बयान पर उन्होंने कहा है कि जलन की ये प्रतिक्रिया है और जलन पर बर्नौल भेजा जा सकता है। योग पर कांग्रेस पर गृह मंत्री ने निशाना साधा और कहा कि एक भी कांग्रेस नेता कहीं योग में दिखाई नहीं दिया और कांग्रेस को ये माना जा सकता है कि एलर्जी है भारतीय संस्कृति से। अमित शाह के दौरे पर भी उन्होंने काफी कुछ कहा, सुनिए। समूचा विश्व आज मोदी जी के सम्मान में खड़ा है, ये होती है हर भारतीय के वोट की ताकत और ये होते हैं वैश्विक नेता, जिससे आज पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी की यात्रा पे ये स्पष्ट दिख रहा है कि जल के बोल रहे हैं और इस जलन के लिए तो बर्नौल ही भेजा जा सकता है। सवेरे से एक बड़ा नेता कहीं योग में नहीं दिखा और अब ये इसलिए आप जैसा बता रहे हो कि है तो वो इसलिए होगा कि 10:30-11 बजे पाखंड कर लें, सभी आमजन और कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछा के उनकी आगवानी को तैयार। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आपने सुना और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने पलटवार किया। बाला बच्चन ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा सत्ता के दीवाने हो गए, सत्ता के नशे में रहते हैं। सत्ता के इतने दीवाने हो गए हैं, सत्ता का नशा उनके ऊपर इतना चढ़ा हुआ है। मैं उनको अभी से नहीं, मैं बहुत समय से देख रहा हूं, तो वो तो अपने सत्ता के नशे में चूर है। इसका जवाब हमारे से ज्यादा बेहतर तरीके से आने वाला जो वक्त है, मध्यप्रदेश की जनता जवाब देगी, वो सटीक जवाब होगा। इधर मंत्री विश्वास सारंग ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस के योग दिवस के दिन प्रदर्शन पर कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस और वामपंथी दल आजादी के बाद से भारत की संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं। जिस योग को पूरी दुनिया आत्मसात कर रही है उसका कांग्रेस विरोध करती है, कांग्रेस को शर्मानी चाहिए, विश्वास सारंग की तरफ से कहा। वामपंथी दल आजादी के बाद लगातार इस देश की संस्कृति पर कुठाराघात करते आए हैं और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस योग को मोदी जी की पहल पर पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, कांग्रेस उसका मखोल उड़ा रही है। आज पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। एक सूत्र में यह देश का यह विचार पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। पूरी दुनिया में योग दिवस पूरी प्रसन्नता के साथ मनाया जा रहा है और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान की करते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने आज मीडिया से बातचीत की और कई मुद्दों पर उन्होंने बयान दिया। खास तौर पर भोपाल में युवक के साथ जो मारपीट की गई थी, उसके गले में पट्टा डालकर जो मारपीट की गई थी, इस मामले पर उन्होंने कहा कि ऐसे विधर्मी पूरे देश में भोपाल समेत उत्पात मचा रहे हैं और सख्त एक्शन इस पर सरकार ने लिया है। आदि पुरुष को बैन करने की मांग पर जब सवाल किया गया, सांसद प्रज्ञा ठाकुर जो कि साध्वी भी हैं, फायर ब्रांड नेता भी हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो फिल्म देखी नहीं है और उन्होंने ये गेंद सेंसर बोर्ड के पाले में डाल दी। इसके अलावा गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने के सवाल पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। पूरे
देश में इस प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। विधर्मी लोग जो है वो बहुत ज्यादा उत्पात करने लगे हैं, मानवीयता खो दी है और उनके जो मंसूबे हैं देश विरोधी, उनके जो षड्यंत्र हैं देश विरुद्ध और धर्म विरुद्ध, वो स्पष्ट होने लगे हैं। मानवीयता तो उनके अंदर पहले भी नहीं थी और इसलिए जहां देखो वहां काटना, जहां देखो वहां मारना और जहां देखो वहां भी कुत्ते जैसा उसको बना करके जो घुमाया है, ये उस व्यक्ति, उस बालक का जो लड़का है उसका बहुत ज़्यादा अपमान हुआ है। और उनको जो सजा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, यहां के प्रशासन ने दी है, मैं उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करती हूं कि जहां से भी हिंदुस्तान को, हमारे देश को चेतना मिलती है, जहां से ज्ञान मिलता है, जहां से हमें सरल अध्ययन मिलता है, इससे लोग सीख सके और अपने देश में जागृति ला सके, उन सब चीजों का विरोध, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हो, वो करते रहते हैं। कहीं से भी राष्ट्र को चेतना ना मिले, ये उनका। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब अपनों से ही खंडवा के सांसद घिरने लग गए तो उन्होंने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। हम बात कर रहे हैं ज्ञानेश्वर पाटिल जो खंडवा के सांसद हैं उनकी, जिन्होंने बजरंग दल पर, जो इंदौर में जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी बरसाई थी, इस पर बयान दिया था और अब सफाई देते हुए वो कह रहे हैं कि उनके बयान का मतलब ही गलत निकाल लिया गया, उनका निशाना कांग्रेस पर था। आपको बता दें कि इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पिटाई के मामले पर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से पूछा गया था कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कर्नाटक की हार के बाद उसका बदला मध्य प्रदेश में बजरंगियों से लिया जा रहा है, जिसके जवाब में ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा था कि कोई पीट नहीं रहा है, जो भी बजरंगबली का नाम लेकर गलत काम करेगा तो गलत काम करने वाले को प्रशासन अपने स्तर से निपटेगा और जनता भी निपटेगी। इस बयान के बाद बजरंग दल ने सांसद के बयान का विरोध किया था, अब सांसद यू टर्न ले चुके हैं। जो कोई यदि बजरंगबली का नाम लेकर गलत काम करेगा तो गलत काम करने वाले को प्रशासन अपने स्तर से निपटेगा और जनता भी निपटती है। और हम तो जो है कि जनता की भलाई का काम करने वाली पार्टी है, जनता के हित में अच्छा जो हो सकता है वो करने का काम कर रहा है। और चाहे बाला बच्चन हो चाहे कमलनाथ हो, इनकी बौखलाहट है, इनको मालूम है कि अब हमारे जमीन जो हमारे पैरों के नीचे से निकल चुकी। कोई बोलने का आशय बजरंग दल के विषय में नहीं था, बजरंग दल हमारा हिंदू संगठन है। तो मेरा कांग्रेस के ऊपर ये था कि कांग्रेस जिस तरह से बजरंग बली के नाम का दुरुपयोग करती है और बजरंग बली के नाम का दुरुपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको प्रशासन और जनता छोड़ने वाली नहीं है। यदि इस तरह से ऐसा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची होगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कि भावनाओं को ठेस लोगों को पहुंच गई होगी, इस बयान से माफी भी मांग रहे हैं, शब्द वापस ले रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं, न्यूज 18 की खबर के असर की बात करते हैं। मुरैना में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है और उसके बाद 77 ऐसे लोग जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए थे दिव्यांगजन हो के और इससे नौकरी हासिल कर ली थी, फर्जी दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बनवाकर, इन सब पर FIR हो चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी AK पाठक की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बताएं कि मुरैना में 77 लोगों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर संविदा शिक्षक वर्ग 3 की नौकरी हासिल की, जिसके बाद बड़ा एक्शन लेते हुए बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई और अब FIR हो चुकी है। इस कार्रवाई से फर्जी प्रमाण पत्र बनाने और बनवाने वालों में भी हड़कंप मच गया है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई दी जिसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। सीधी में 2 मासूमों के साथ कुएं में कूदकर महिला ने दी जान, पुलिस ने निकाले 3 शव। सिटी कोतवाली क्षेत्र के मूडी पसरा में मामला। मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर ली चुटकी, कहा अमेरिका में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। एलन मस्क ने भी की तारीफ, आज तो कांग्रेस वालों की उड़ गई होगी चुड़िया। यूनियन सिविल कोड पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान, देश में एक संविधान एक नियम होना चाहिए, समान नागरिक संहिता आवश्यक भी महत्वपूर्ण भी। भोपाल के अमीदिया अस्पताल के मर्चुरी में रखे शव को चूहों ने कुतरा, मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश, मॉड्यूल मर्चुरी बनाने के लिए निर्देश। इंदौर में महिला और उसके पति ने खाया जहर, महिला की मौत, पति की हालत गंभीर, कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान दे दी थी जान देने की धमकी।
इंदौर में सेंट्रल मॉल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने पाया काबू। हादसे के वक्त मॉल में नहीं थे लोग, कोई हताहत। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान, युवक को कुत्ता बनाकर पीटे जाने के मामले पर कहा मानवीयता खत्म हो रही। गीता प्रेस को लेकर बोली इससे देश को चेतना मिली। 5 दिन के अज्ञातवास के बाद बागेश्वर धाम लौटे धीरेन्द्र शास्त्री। डॉक्टर शास्त्री ने कहा हमने जीवन में एक सूत्र सीखा, जब तालियां बजती हैं गालियां भी मिलती हैं। एमपी में बिपरजॉय तूफान का असर, भोपाल इंदौर समेत 17 जिलों में बारिश की संभावना। 27 जून को प्रदेश में एंट्री कर सकता है मानसून। बुलेटिन में इतना ही, देख रहे न्यूज 18।